पानी पानी, सोलर पैनल, ये फेमस शेतकरी है, उन्होंने ये अप्लाई किया है सोलार पंप कृषि के माध्यम से। ये कैसे अप्लाई किया था सर आपने? ये हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक स्कीम चल रहा है, प्रधान मुख्यमंत्री सोलार पंप योजना। अच्छा, ये स्टेट गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों भी दे रहे हैं सर्विस, बट जब अभी फिलहाल जो हमने स्कीम जो उठा है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर से दिया गया है। तो ये कैसे अप्लाई किया था आपने? उसका जो पोर्टल है महा डिस्कॉम सोलार पावर डिस्ट्रीब्यूशन, उसके ऊपर जाकर आपको अप्लाई करना है। इसी ये लिंक में आपको दिखेगा थोड़ी देर में। और ये अप्लाई करने के कितने दिन बाद आया था आपके पास? वो स्क्रूटनी होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं भी इलेक्ट्रिकल पोल नहीं है, तो वहाँ पर आपको लाइट नहीं होना चाहिए, उसी जगह पर आपको गवर्नमेंट देती है, क्योंकि स्कीम सिर्फ वो उन लोकेशन पे जहाँ पर अभी तक लाइट नहीं पहुँचा है, बिजली नहीं पहुँचती। ओके, और क्या क्या खासियत है इसकी? ये 3 HP का पंप है जो हमने सेलेक्ट किया था, एज डिपेंड ऑन द लैंड जिसके हिसाब से आप उसे ले सकते हो। जैसे कि 1 acre आपका लैंड है, हाँ? तो आपको 3 HP का पंप मिलेगा। आपके पास 2+ acre का लैंड है तो आपको 5 HP का पंप मिलेगा। और ये देख सकते हैं आप इसके ऊपर यहाँ पर 10 plates आई है जो सोलार चार्ज करती है। और इसका कोई डिसएडवांटेज, मतलब ह्यूमन हार्मफुल? इसे आप टच कर सकते हो? आप टच कर सकते हैं, इसके ऊपर सो सकते हैं, इसके ऊपर जंप कर सकते हैं। अगर आप गलती से ये प्लेट खराब भी हो जाती है तो गवर्नमेंट इसे 5 years का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, जिससे कोई भी डिफेक्ट होता है, चोरी हो जाता है, खराब हो जाता है तो रिटर्न हो जाता है। अच्छा, ओरिजिनल मार्केट प्राइस क्या है इसकी? इसकी 3.5 lakh rupees तक जाता है एक सोलार पंप। और ऐसा कितने में मिला आपको? ये गवर्नमेंट स्कीम में है तो ये यू कैन चेक ऑन द गवर्नमेंट पोर्टल। ओके, सर देख सकते हो मेरे साथ आइए, चेक करें, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर किस तरह सर्विस वायरिंग स्ट्रक्चर। आप ये देख सकते हो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आपको एक पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम प्रोवाइड किया है, जिसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर ये स्टार्ट है। जैसे मैं इसे अभी ऑफ कर देता हूँ, ये ऑफ कर दिया, मोटर ऑफ हो जाएगा। उसके बाद इसे नीचे कर देना है, NCP जिसे कहा जाता है, इसके थ्रू पावर जो क्रिएट होता है सोलार प्लेट से इसमें आएगा, इसके थ्रू ये पंप इसके अंदर जाएगा और ये स्विच ट्रांसफ़र होगा तो पावर स्टार्टर। और इसके अंदर ये देख सकते हो सिम कार्ड दिया है, ये सिम कार्ड और ये SD कार्ड है, जितना कितने लीटर पानी आप यूज़ कर रहे हो सभी डिटेल। सिम कार्ड का क्या यूज, मतलब नेटवर्क से कनेक्टेड हो? अब सपोज आप कहीं और गए हो, वी आर जस्ट कंसिडरिंग टू यू गो टू औरंगाबाद एंड यू फॉरगेट द यू वांट टू स्टार्ट द योर मोटर, सो वो टाइम में आप क्या कर सकते हो कि वहाँ से औरंगाबाद सिटी से एक वन ऑफ द एग्जांपल, यानी आप बैठे घर बैठे बैठे इसे स्टार्ट कर सकते हो। मतलब कॉल लगाना होता है ऐसा? हाँ, सेम स्टार्ट ऑन ऑफ दोनों कर सकते हो। नहीं, वो सिम कार्ड का क्या यूज है? सिम कार्ड का वही यूज है, मोटर को ऑन करेगा, मोटर को ऑफ करेगा कॉल करने पे। हाँ, कॉल करने पे। ओके, और ये जो SD कार्ड है ये आपका रिकॉर्ड स्टोर रखेगा कितने लीटर पानी उसने अभी पंप किया है। ओके, तो हिस्ट्री भी जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो ये उसका पावर क्रिएटर है, पावर क्रिएटर स्विचेस है, इसके थ्रू पावर क्रिएट होगा और ये स्विच ट्रांसफर होगा यहाँ पर मेन लाइन के अंदर, सोलर लाइट कन्वर्ट टू द AC to DC एंड देन योर मोटर इज वर्क। ओह परफेक्ट। और ये क्या है? ये कोई बिजली गिरती है, सोलार क्लाउड जो इफेक्ट होता है बिजली गिरती है तो उसके लिए, उससे सेफ्टी के लिए ये बनाया है। सीधी इसके ऊपर प्लेट के ऊपर नहीं गिरेगी, सीधा इस पर गिरेगी और जमीन में। स्पार्क क्या होता है जमीन में? तो ये देख सकते हैं अभी अर्थ किया है उधर भी और इधर भी। अच्छा, तो ये कंपलसरी होता है? हाँ, ये लगा नहीं होता है, ये सब इसके इसमें ही आता है। एक साथ एक्चुअली ये लाइन का दोनों को ये अर्थिंग दिया गया है मोटर को। यहाँ से वो भी रहा, यहाँ से हाँ परफेक्ट। ये तीनों प्रकार से शेतकरी का है।
तो आज क्यों रह रहे हो भी बरजबरी वो भी करिए तब परफेक्ट।